वेलकम टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ सोहांजरों के पत्तों की सब्ज़ी मूंग दाल में मिक्स करके तो बनाएंगे। ये बहुत ही शुगर के मरीज़ों के लिए, जॉइंट ये बूढ़े से जवान बना देती है। इसमें अल्लाह ताला ने इतने शफा रखे हैं। आप सोहांजरा नेट पे सर्च करें, इसका पाउडर बनाना भी हम आपको सिखाएंगे, इसकी और तरह की सब्ज़ियाँ भी सिखाएंगे। इसके फूल जब होते हैं तो उसका ये ऐसे बस साफ़ करना है, इसमें ये डंडियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके ड्रम स्टिक्स भी फिर बनाना सिखाएंगे। तो ये जो है हम आपके साथ अभी हमने साफ़ किया है, बाकी थोड़ा थोड़ा जो रहता है मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ऐसे बस सिर्फ ऐसे करके तो ये इससे हो जाता है। तो इसको हम बारीक चॉप करते हैं और दूसरी तरफ हम दाल रखते हैं बॉयल करने के लिए। ये हमने 2 कप पानी रख लिया, उसमें 1 कप हम मूँग की दाल डालेंगे और इसको नमक डाल के बॉयल कर लेते हैं। तो ये बॉयल होगी तो आगे फिर तड़का बस इसका बनाएंगे और वो सोहांजरा के पत्ते इसमें डालेंगे लास्ट में, बहुत ज़्यादा उसको नहीं गलाएंगे। हाँ, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल लेंगे, फिर बाकी हम कर लेंगे। ये बस अब गल जाएगी दाल तो आगे रेसिपी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पत्ते मैंने डाल दिए चॉपर के जग में, इसको बस मैं सिर्फ 1 सेकेंड घुमाऊँगी तो ये कट जाएंगे, क्योंकि इतने बारीक को पकड़ के कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कट करना है। ये हमने बस 2 दफ़ा घुमाया है तो बस ये बारीक कट हो गया। फ्रेंड्स, हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह गल चुकी है, अब इसका तड़का बनाते हैं। तड़का अब रेडी करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने पैन में जो है ऑयल ऐड करनी है तड़के के लिए 2 टेबल स्पून। साथ ही साथ मैं आपको सोहांजरे के फ़ायदे बताती जाऊँ तो ये शुगर वालों के लिए बहुत बेस्ट है, और जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, 99 बीमारियों का इलाज है ये। आप नहार पेट ले तो आपका जिस्म पतला भी करता है। ये 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन चॉप शामिल कर दी है तड़के के लिए जी। तो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो और वेट लॉस के लिए भी बहुत बेस्ट बहुत है, बेस्ट बॉडी को स्लिम एंड स्मार्ट सा कर देती है। तो आप लोग ये लाजमी नहार पेट अपने पानी के साथ जो है पाउडर इसका बना लें और वो जो है लिया करें। ये 3-4 मैंने बड़ी लाल मिर्चें सूखी तोड़ के तो वो डाल दी है और अब इसको फ्राई करेंगे जब तक लहसुन गोल्डन नहीं होता। ओके, आज शेयर करते हैं। तो लहसुन जो है लाइट गोल्डन होने लगे तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची जो है वो ऐड कर देंगे। 5 चम्मच चॉप की इलायची वाली स्पाइसी ज़रा वो तो अच्छा लगता है। तो साथ में हम इसके अंदर कुटी लाल मिर्ची भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के डाली है कि सब्ज़ भी है तो आप डिपेंड करते हैं आपके घर में कैसी मिर्ची खाई जाती है। मैंने दाल में भी नमक डाला है तो इसमें मैं सिर्फ 1/4 चम्मच डालूंगी कि जो सोहांजरे के पत्तों के हिसाब से तो हमने पत्ते जो थे चॉप किए बारीक वो ऐड कर देंगे। सोहांजरा जो हमने ऐड किया हुआ था कलर कितना प्यारा आया है, डार्क ग्रीन बहुत प्यारा बन रहा है। तो अब हम साथ इसके अंदर दाल जो बॉईल की थी वो ऐड कर दीजिए। कितना खिला खिला कलर है इसका। तो डिफरेंट रेसिपीज जो है सोहांजरे के साथ हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे, पराठे भी शेयर करेंगे, इसकी भुजिया आलू के साथ, चने की दाल। जिनको बॉडी में वीकनेस महसूस होती है उनके लिए बहुत बेस्ट है, हड्डियों को बहुत मजबूत कर देता है। शुगर के पेशेंट अगर है वो डेली, एक तो इसका पाउडर हम बनाना सिखाएंगे तो वो आप डेली नहार पेट और रात को सोते हुए शुगर के पेशेंट को आप टीस्पून दे। जो बाहर से मिलते हैं वो महंगा भी बहुत है और उसमें मिलावट होती है। ये ओरिजिनल फ्रेश घर का और बहुत जल्दी बनता है, लेकिन उसको आप लोग सेफ रखते हैं पूरे साल के लिए। और ये पत्ते आप एक ट्री उगा लें तो ये आपके सारी उम्र का जिस सोने का पौधा है। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही झटपट सी बनी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बिगनर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये सोहांजरा के पत्तों की सब्ज़ी जो है। और ये मस्त ट्राई करें, बहुत अच्छा जायका है। डिफरेंट रेसिपीज ट्राई किया करें। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने डिश आउट कर ली, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी रेसिपी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह मज़ेदार लेटेस्ट रेसिपी जो है वो मिलती रहा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।